नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम इंटर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। दीपावली के अवसर पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? दीपावली जो है हम सभी के जीवन में एक तरह से नए वर्ष का, एक नए सीजन का आगमन का संकेत देता है। और मेरी तरफ से तथा पुलिस परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और उनकी दिनों दिन तरक्की हो। मैं राशिद कुरैशी, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फतेहपुर सीकरी की ओर से और समस्त समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूं ये त्यौहार के साथ साथ आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और देश में अमन चैन बना रहे। जय हिंद, जय समाजवाद। सड़कों पर मौत बनकर रफ्तार बढ़ रहे झक्के मार वाहन, ये आगरा शहर में हर जगह जहां देखो वही जिस तरह से ओवरलोड कर झक्के मार वाहन अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं, जहां पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं, मगर इस पर परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आगरा देहात फतेहपुर सीकरी हजारों की तादाद में प्रतिदिन देशी व विदेशी पर्यटक आता है। डग्गामार वाहनों के आए दिन शिकार होते हैं पर्यटक। सड़कों पर डग्गामार वाहनों की भरमार है, नियमों की धज्जियां उड़ाते ऐसे वाहन पुलिस व पार्किंग ठेकेदार के सामने फर्राटे भरते हुए निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस को इन वाहनों पर कार्रवाई करने की उस समय याद आती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। आइए हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता नौशाद कुरैशी जी, फतेहपुर सीकरी से जुड़े हुए। नौशाद जी, क्या किस तरह का क्या मामला है? मामला ये पर्यटन से जुड़ा हुआ भी है। गुलिस्ता टूरिस्ट राही कॉम्प्लेक्स, यहाँ पार्किंग बनी हुई है और यहाँ अवैध रूप से डग्गे महारे जो टेम्पो हैं वो वहाँ अपने कतार के रूप में वहाँ खड़ी कर लेते हैं। बल्कि पर्यटक की सुविधा के लिए मॉन्यूमेंट तक जाने के लिए CNG बसों का आगमन भी है, लेकिन वहाँ डग्गे मार वाहन उनको टूरिस्टों को ओवरलोडिंग करने के बाद अपने बैठाते हैं और ऊपर मॉन्यूमेंट के पास ले जाते हैं। ये घाट का ही इशारा देता है। जैसे कि हमने गुलिस्ता टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मैनेजर से बात हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि मैं कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत लिखित रूप से करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह से अभी पूरे आगरा शहर में ये चल रहा है और कागरौल, जगनेर, यहाँ पर भी कई हादसे हुए हैं, और क्या कहना चाहिए, किस तरह से ये सरासर किसकी सांठगांठ देखी जा रही है? सांठगांठ देखी जाए तो इसमें जो परिवहन विभाग है प्लस पुलिस भी अनदेखा करती है, ये सांठगांठ के ही इशारा करती है ये बात। तो जिस तरह नौशाद जी मैं जानना चाहूंगा, एक ओवरलोडिंग ले जाते हैं कि अधिकारियों को ये सब नहीं दिख रहा है, इतने हादसे हो रहे हैं तब भी डग्गेमार वाहन चल रहे हैं दबंगे के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे? अधिकतर अधिकारी मौन धारण करे हुए हैं, ना जाने क्या परिस्थितियां हैं अधिकारियों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए नौशाद कुरैशी जी। जिस तरह से डग्गेमार वाहन लगातार चल रहे हैं और विगत दिनों भी एक काफी बड़े हादसे हुए थे, मगर अधिकारियों की आंखें अब तक नहीं दिख रही हैं। एक लाल नोटों के आगे परिवहन विभाग को यह सब नहीं दिख रहा। जिस तरह से ये हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, डग्गेमार वाहन नहीं बंद हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में इन वाहनों के अनियंत्रित होकर पलटने से कई हादसे हो चुके हैं। गुलिस्ता टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मैनेजर का कहना है कि मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों को लिखित में कई बार शिकायत डग्गेमार टेम्पो की कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फतेहपुर सीकरी के अंदर और डग्गेमार वाहन चल रहे हैं, इस तरह काफी तेजी रफ्तार में दौड़ते हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र, इसके अलावा और भी जो NH 11 पे डग्गेमार वाहन की शिकायत आती रहती है, उसके संबंध में मेरे स्तर से भी तथा थाना प्रभारियों को भी सख्त निर्देश कप्तान साहब की तरफ से भी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जितने वाहन ऐसे हैं वो उनको सीज किया जाए। और समय समय पर इस बारे में कार्रवाई होती भी है, फिर भी अभी कुछ वाहन हैं जो चलते हैं और ये बात सही है कि उससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। आज भी मेरे द्वारा थाने पे जाकर चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के वाहनों के खिलाफ सीजर की कार्रवाई करें और जो ड्राइवर हैं जो इन गाड़ियों को चला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, ना सिर्फ गाड़ी सीज हो बल्कि उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी हो। कैमरामैन रफीक अहमद के साथ नौशाद कुरैशी की ब्यूरो रिपोर्ट।